Welcome to Bind EduTech, and in this video lecture we are going to continue to discuss a chapter, Going Places, written by A.R. Barton. Going Places नाम के चैप्टर के बारे में हम लोग अभी तक प्रीवियस वीडियोस में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे उसका इंट्रोडक्शन, उसका थीम, उसका जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल, और उसके बाद हम लोग आए थे स्टोरी के कैरेक्टर्स को हम लोग पढ़ रहे थे वन बाय वन, कि कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट कैरेक्टर, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसके बारे में पढ़ लिया था. वो एक टीन एज लड़की है जिसका नाम सोफ़ी है, जो एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है. वो सेंट्रल कैरेक्टर है, और वही सोफ़ी जो है वो सभी टीनेजर्स को रिप्रेजेंट करती है. और उसके फीचर्स के बारे में बताया गया था कि उसके स्वभाव के बारे में बताया गया था कि वो बहुत ओवर टॉकिंग है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाली है, फेंकने वाली, और डे ड्रीमिंग वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट था कि वो डे ड्रीमिंग किया करती थी, मतलब अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखा करती थी. उसको रियल दुनिया से कोई मतलब नहीं था, और वो अपने रियल दुनिया के जो हार्श रियलिटीज़ थे, जो कठोर सच्चाई था उसकी दुनिया का, असली दुनिया का, उससे वो दूर भागती थी और अपने बनाए हुए दुनिया में वो रहना पसंद करती थी. सोफ़ी सेंट्रल कैरेक्टर. उसके बाद उसके दोस्त के बारे में पढ़ा, जैंसी. जैंसी उसकी दोस्त भी है, क्लासमेट भी है, और उसी के जैसा टीनेजर भी है. जैंसी उसकी क्लासमेट है, इसका मतलब टीनेजर है, मगर स्वभाव में, थिंकिंग में जैंसी इज जस्ट ऑपोजिट टू सोफ़ी. जहाँ सोफ़ी आउटस्पोकन है, वहीं जैंसी जो है वो सेंसिबल है. जहाँ सोफ़ी डे ड्रीमिंग करती है, वहाँ जैंसी जो है वो रियलिटीज़ में जीती है. जहाँ सोफ़ी के पैर हवा में होते हैं, मतलब वो उड़ते रहती है, वहीं जैंसी के पैर ज़मीन पे हैं. वो रियलिटीज़ को जानती है, समझती है, और उसको पता है कि सोफ़ी जो डे ड्रीम देखते रहती है वो गलत बात है. और स्टोरी में हम लोग को ये पता चलेगा, जब स्टोरी शुरू पढ़ेंगे हम लोग, तो पता चलेगा कि कैसे जैंसी अपने तरफ से पूरी कोशिश करती है सोफ़ी को डे ड्रीमिंग नहीं करने के लिए. वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करती है, जैंसी. सी वॉज़ ए ट्रू फ्रेंड टू सोफ़ी. वो सोफ़ी का भला चाहती थी, और वो चाहती थी कि सोफ़ी जो है वो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देख करके अंत में जो डिसअपॉइंटमेंट इसको मिलेगा, वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो. तो जैंसी एक पॉजिटिव कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है ना. सोफ़ी जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है. उसके बाद हम लोग जॉफ के बारे में स्टार्ट किए थे, उसका भाई. जॉफ जो है वो सोफ़ी का बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर ऑफ सोफ़ी. और जॉफ के बारे में बोला गया सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, मतलब कि बहुत मधुरता से बात करता है. हिंदी में अगर समझें, सॉफ्ट स्पोकन पर्सन मतलब कि बहुत स्वीट वॉइस में, बहुत काम तरीके से, बहुत अच्छे से वो पेश आता है, व्यवहार करता है. लेकिन वो स्वभाव से इंट्रोवर्ट है, और वो वर्ड इंट्रोवर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रोवर्ट का मतलब होता है वैसे लोग जो जल्दी दूसरे लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं, वैसे लोग
जिनके बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं, वैसे लोग जो कम बोलना पसंद करते हैं, इन सभी तरह के लोगों को इंट्रोवर्ट वर्ड यूज किया जाता है, इंट्रोवर्ट। तो जॉफ जो था वो सॉफ्ट स्पोकन तो था ही, लेकिन वो इंट्रोवर्ट भी था, बहुत कम बोलता था। इसको इसके इंट्रोवर्ट होने का मतलब कम बोलने का एक एग्जाम्पल हम लोगों को चैप्टर में मिलेगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ चैप्टर, फिर जब पढ़ोगे तो मैं रिमाइंड करा दूंगा आपको, रिकॉल करा दूंगा कि मैंने ये बात बताई थी कि वो इंट्रोवर्ट था, जॉफ जो था वो बहुत कम बोलता था। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है चैप्टर में, और उसमें लिखा हुआ है कि जॉफ के मुंह से शब्द निकलवाना उतना ही कठिन काम था जितना कठिन जमीन के अंदर गड़े हुए पत्थर को बाहर निकालना होता है। एक एग्जाम्पल है, इतना इंट्रोवर्ट था ये। रिपीट करता हूँ, मैं टेक्स्ट बुक जब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में तो मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा कि ये सेंटेंस मैंने बताई थी आपको जॉफ के बारे में, कि जॉफ इतना इंट्रोवर्ट है। उसका एग्जाम्पल है कि उसके मुंह से कोई बात निकलवाना, कोई वर्ड निकलवाना इतना मुश्किल काम है जितना मुश्किल है जमीन में गड़े हुए पत्थर को बाहर निकालना। ये एग्जाम्पल दिया गया है उसके इंट्रोवर्ट होने का। ही प्रिफर्ड टू लिव इन रियलिटी। अब जॉफ जो है वो भी सेंसिबल है और वो सच्चाई में जीता है, अपने रियल दुनिया में जीना पसंद करता है जॉफ। ही प्रिफर्ड टू लिव इन रियलिटी एंड वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। और जॉफ के हार्ड वर्किंग होने के बारे में भी आपको याद रखना है, वेरी हार्ड वर्किंग। क्यों इसको बोला गया हार्ड वर्किंग, उसका आंसर देखो यहां मिलेगा। ही वॉज आउट ऑफ स्कूल। आउट ऑफ स्कूल मतलब स्कूल से बाहर निकलना नहीं, उसने अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया था। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उसी को लिखा है आउट ऑफ स्कूल। वो अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद काम करने लगा था, वो पैसा अर्न करने के लिए काम करने सीखने लगा था वो। और क्या काम करता था, क्या सीखता था, लिखा हुआ है वर्क्ड एज एन अप्रेंटिस मैकेनिक। जॉफ जो है वो हार्ड वर्किंग लड़का है, सोफी का बड़ा भाई है, स्वभाव से इंट्रोवर्ट है, ठीक है, और रियलिटी में रहना पसंद करता है, और स्कूल से वो कोर्स कंप्लीट करके बाहर हो चुका है और काम उसने शुरू कर दिया है। आपको याद रखना है उसका काम, उसका काम है अप्रेंटिस मैकेनिक है वो। अब ये अप्रेंटिस वर्ड अगर नहीं जानते हैं आप तो देखो हम लिख दिए हैं आसान शब्दों में, असिस्टेंट मैकेनिक। अप्रेंटिस मैकेनिक का मतलब हुआ असिस्टेंट मैकेनिक, मतलब वो लोग जो मैकेनिक, जो मेन मैकेनिक होता है उसकी जो हेल्पर्स जो होते हैं, वही लोग अपने मेन मैकेनिक से काम करते करते और वो लोग सीखते हैं काम को, उनको हम लोग ट्रेनी भी बोल सकते हैं कि वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तो जॉफ के बारे में, उसके काम के बारे में ये बात याद रखना, आंसर में बहुत काम आएगा। अप्रेंटिस मैकेनिक का काम करता था जॉफ, और काम करने के लिए जॉफ को हर दिन अपने घर से काफ़ी दूर यात्रा तय करना होता था। एक लॉन्ग जर्नी था उसका, टू गो एंड रिटर्न, मतलब कि एक डेढ़ घंटे का समय जाने में लग रहा है, एक डेढ़ घंटे का समय आने में लग रहा है, और उसके बीच इतना मेहनत कर रहा है कि उसके बीच वो मैकेनिक के साथ, उसका हेल्पर के रूप में, अप्रेंटिस मैकेनिक के रूप में काम कर रहा है।
ऐसा है सोफी का बड़ा भाई जॉफ। तो ये भी एक कैरेक्टर है इसमें, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस कहानी में। इसके बाद है सोफीज फादर। कहानी में सोफी के फादर का भी रोल है, तो उनके बारे में भी जान लें। सोफीज फादर हु इज नॉट नेम्ड, पहली बात तो ये बता दी गई कि सोफी के फादर का नाम नहीं बताया गया है स्टोरी में। हु इज नॉट नेम्ड, हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि वो सोफी के फादर हैं और उनको लिखेंगे भी सोफीज फादर, नाम नहीं बताया गया है। इज अ हार्ड वर्किंग मैन, सोफी के फादर को भी हार्ड वर्किंग बोला गया है, वो भी एक हार्ड वर्किंग इंसान थे। अपना जो उनका परिवार था उस परिवार के खर्चे को पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत किया करते थे ताकि किसी तरह अपने परिवार का बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ वो पूरा कर पाए, उसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क करते थे। ही वर्क्स इन सम काइंड ऑफ मैनुअल लेबर। और कहानी में जो बताया गया है उनके बारे में उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है, वी कैन सपोज परहैप्स सोफी के फादर जो हैं वो जो जिस तरह का काम करते हैं वो मैनुअल लेबर का काम है। मतलब कि लेबर मतलब आप समझते हैं शारीरिक जो ताकत लगा करके जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग लेबर बोलते हैं। हिंदी में भी हम लोग उनको लेबर ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी लेबर ही बोलते हैं। और लेबर कहने कर कर लेबर वर्ड का मतलब ही होता है मेहनत। अब बताइए कि वो लोग जिससे हम लोग काम करवाते हैं उसको लेबर क्यों बोला गया है, क्योंकि लेबर वर्ड का ही मतलब होता है मेहनत, वो मेहनत करते हैं इसीलिए उनको लेबर बोला गया है। तो यहाँ सोफी के फादर जो हैं वो एक हार्ड वर्किंग मैन हैं और वो मैनुअल लेबर का काम करते हैं शायद। रिटर्निंग होम ईच नाइट, वो सुबह जब निकलते हैं काम पर तो रात को घर लौटते हैं। रिटर्निंग होम ईच नाइट। जब वो रात को वापस आते हैं तो किस हालत में होते हैं ये याद रखना कि जब वो रिटर्न होते हैं ईच नाइट तब वो किस हालत में होते हैं, तब वो बिल्कुल डर्टी एंड स्वेटी होते हैं। डर्टी मतलब तो समझते हो पूरा गंदा, और स्वेटी मतलब जब आदमी शारीरिक काम करता है तो उसका बहुत पसीना निकलता है और उसी को स्वेटिंग बोला जाता है। तो जब वो रात को वापस आते थे काम करके मैनुअल लेबर करके तो बहुत डर्टी रहते थे और स्वेटी भी रहते थे। एंड शॉवलिंग फूड इन टू हिज माउथ, ये देखो ये वर्ड एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, शॉवलिंग फूड, शॉवलिंग फूड, फूड मतलब तो हुआ खाना। शॉवलिंग फूड किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल तरीके से जब आदमी खाता है तो उसको हम लोग ईटिंग वर्ड बोलते हैं, ईटिंग फूड नॉर्मल तरीके से अगर खा रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा एबनॉर्मल तरीके से खा रहे हैं जल्दी जल्दी, उसको हम लोग बोल चाल की भाषा में बोलते हैं खाना नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं खाना ठूसना अंदर। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि दोनों हाथों से खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो वैसा जो ईटिंग होता है उसके लिए शॉवलिंग वर्ड यूज किया है। वैसे तुम लोग ईटिंग वर्ड यूज करते हैं लेकिन उनके सोफी के फादर का के बारे में वर्ड यूज किया है
कि वो जब खाना खाते थे तो खाना खाने का तरीका उनका नॉर्मल नहीं रहता था, वो एकदम ठूस ठूस करके खाते थे, शॉवलिंग फूड इनटू हिज माउथ। ये सोफी के फादर हैं। इनके बारे में कुछ कीवर्ड्स जो याद रखना है, हार्ड वर्किंग, ठीक है, नो नेम्ड, नॉट नेम्ड, अभी नाम इसमें स्टोरी में है नहीं, हार्ड वर्किंग है। तीसरा कीवर्ड है मैनुअल लेबर करते हैं। चौथा कीवर्ड है रात को वापस लौटते हैं। पांचवा कीवर्ड है कि लौटते वक्त उनकी हालत कैसी रहती है, डर्टी एंड स्वेटी। फिर उनके खाने के तरीके के बारे में बताया गया, शॉवलिंग फूड इनटू हिज माउथ। इसके अलावा सोफी के फादर फुटबॉल फैन भी थे। इनफैक्ट सोफी का पूरा परिवार फुटबॉल प्रेमी थे, दे आर फुटबॉल फैंस, डाई हार्ड फुटबॉल फैंस। खाली फुटबॉल फैंस बोलने से काम नहीं चलेगा, डाई हार्ड फुटबॉल फैंस पूरा सोफी का परिवार, एक्सेप्ट हर मदर। सोफी के माँ को कोई मतलब नहीं रहता था, क्योंकि वो घर मतलब एक हाउसहोल्ड वाइफ थी, घरेलू काम में बिजी रहती थी और इंटरेस्टेड भी नहीं रहती थी स्पोर्ट्स के तरफ। तो सोफी के घर में सोफी को छोड़ करके जितने मेंबर्स हैं सब, सॉरी सोफी की माँ को छोड़ करके जितने मेंबर हैं, मतलब सोफी है, सोफी का बड़ा भाई है, सोफी के फादर हैं, और आगे पता चलेगा कि और कितने मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर्स जो हैं ये डाई हार्ड फुटबॉल फैंस हैं, ठीक है। अब ये बात मैंने क्यों कहा है डाई हार्ड फुटबॉल फैंस, वो मैं आपको जब टेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा इसका, तो मैं रिलेट करके आपको रिकॉल करवाऊंगा कि डाई हार्ड फुटबॉल फैन मैंने कहा था इसके परिवार के सभी लोगों के लिए, एक्सेप्ट सोफीज मदर, ठीक है। तो सोफी के फादर भी एक डाई हार्ड फुटबॉल फैन थे, और सोफी के फादर अपनी बेटी को, बेटी के स्वभाव को अच्छे से जानते थे, मतलब ही वॉज अवेयर, ही नोज दैट सोफी इज आउट स्पोकन एंड अ डे ड्रीमर। मतलब कि सोफी के फादर को ये बात अच्छे से पता थी कि सोफी जो है वो बहुत फेंकती है बातों में और डे ड्रीमर भी है, मतलब ऊटपटांग अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते रहती है। ये सोफी के फादर जानते थे अपनी बेटी के बारे में, और स्टोरी में हम लोगों को कुछ ऐसे जगह पे लाइंस मिलेंगे जहां पे ये बात बताया जाएगा कि सोफी के फादर सोफी को वार्निंग भी देते हैं कि ये जो तुम डे ड्रीमिंग करती हो ये एक दिन तुमको प्रॉब्लम में फंसा देगा। मतलब कि वो अपनी बेटी के प्रति सिंसियर थे, फिक्रमंद थे। ही वॉज अ सिंसियर फादर, ही वर्कड हार्ड टू अर्न फॉर हिज फैमिली, और अपनी बेटी को भी वे चेतावनी बहुत बार वार्निंग देते हैं, गुस्सा भी दिखाते हैं, चेतावनी भी देते हैं कि ये जो तुम्हारे हैबिट है आउट स्पोकन होने का और डे ड्रीमिंग करने का, ये हैबिट बिल्कुल तुमको छोड़ देना चाहिए, इस हैबिट के वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगी किसी दिन। ऐसा वार्निंग वो सोफी को देते थे, एंड ही वॉज अ डाई हार्ड फुटबॉल फैन। वो मैनुअल लेबर का काम करते थे, ये मैंने जब अगर बताया, तो यहाँ से तो ये बात
अंडरस्टूड हो जानी चाहिए कि वो लोग सोसाइटी के किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, हमारा सोसाइटी जो है समाज में किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं। सोफी के फादर के प्रोफेशन को देख करके हम लोगों को ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वो पुअर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले लेबर हैं वो, ठीक है। तो उनका लाइफस्टाइल भी वैसा ही था, वो गंदे संदे रहते थे, ठीक है, और वेल मेंटेन्ड नहीं रहते थे क्योंकि प्रोफेशन भी वैसा नहीं था, अर्निंग भी वैसी नहीं थी, तो थोड़े डर्टी रहते थे, थोड़े स्वेटी रहते थे, और अपनी बेटी को समझाते भी थे। ये हम लोगों को मिलेगा जब हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद सोफी की मदर है नेक्स्ट कैरेक्टर। सोफी की मदर पहली बात तो ये कि जिस तरह से सोफी के फादर का नाम नहीं दिया हुआ है उस तरह से सोफी के मदर का भी कोई नाम चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सोफीज मदर यही वर्ड से हम लोग समझेंगे, उनका कोई नाम नहीं दिया हुआ है, सोफीज मदर यही लिखा रहेगा। शी अपीयर्स टू बी अ हार्ड वर्किंग हाउस वाइफ। सोफी की जो माँ है उसके बारे में पहला कीवर्ड है हार्ड वर्किंग हाउस वाइफ, वो एक हार्ड वर्किंग हाउस वाइफ थी, मतलब कि बहुत काम करना पड़ता था उसको, पूरे घर का जिम्मा जो था, पूरे परिवार का जिम्मा जो था वो सोफी के मदर के कंधों पर ही था। शी वॉज अ हार्ड वर्किंग हाउस वाइफ एंड इज नॉट पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड और इन और क्लोज टू हर चिल्ड्रेन और हस्बैंड। अपने हाउसहोल्ड वर्क के कारण, हाउसहोल्ड वर्क इतना था उस पर, उससे वो इतना बिजी रहती थी कि उसके कारण वो ज्यादा समय अपने परिवार के प्रति वो ज्यादा समय नहीं दे पाती थी। तो ज्यादा समय नहीं दे पाती थी बिकॉज शी हैज टू डू लॉट ऑफ वर्क, हाउसहोल्ड वर्क, इसलिए वो ज्यादा समय नहीं दे पाती थी। इसको यहां लिखा है इस तरीके से कि ही वॉज पार्टिकुलरली नॉट इंटरेस्टेड अपने परिवार, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, न तो वो उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड थी, न तो उनके क्लोज थी। लेकिन इससे ये मत समझना कि ये उनके नेगेटिव एटीट्यूड को दिखा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब जो निकलता है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि उसके ऊपर बर्डन इतना था काम का, सोफी की माँ के ऊपर बर्डन इतना था, बोझ इतना था काम का कि वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकती थी, इतना बोझ था उसके लिए। ये एक एग्जाम्पल है कि इतना बोझ था कि अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को भी वो टाइम नहीं दे पाती थी, उनमें भी वो, उनसे भी वो क्लोज नहीं रह पाती थी। वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट हर। सोफी के मदर के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, मतलब कि उनका रोल जो है इस स्टोरी में वो बस एक जगह, सिर्फ एक जगह उनका जिक्र होता है और उस जगह पर वो अपना हाउसहोल्ड वर्क करती रहती है और वहीं पर सिर्फ एक जगह पे सोफी की मदर का जिक्र है। इसलिए लिखा है कि वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, बहुत कम इंफॉर्मेशन उनके बारे में प्रोवाइड किया गया है। असाइड द ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ हाउस वर्क शी अपीयर्स टू बी इन चार्ज ऑफ, उनके बारे में बहुत कम बताया गया है लेकिन
एक चीज बहुत क्लियरिटी से बता दिया गया है, वो ये है कि उनके ऊपर, सोफी की मदर के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ हाउसवर्क, लार्ज के लिए वर्ड यूज किए हैं, ओवरवेलमिंग मतलब ओवरवेलमिंग नहीं याद रहे, लार्ज अमाउंट ऑफ हाउसवर्क जो उनको करना पड़ता था, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस वजह से वो अपने परिवार के क्लोज नहीं रह सकती थी ज़्यादा, और उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकती थी। और जब उनका बहुत कम रोल है और एक दृश्य सिर्फ है जिसमें वो, जिस उस दृश्य में भी वो कोई हाउसहोल्ड वर्क करते हुए ही नज़र आएगी। ये है सोफी की मदर। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।